उंदलस जजीरा नमा है जिसे बकौल शरीफ अदरीसी अरबों ने इख्तसार की वजह से शुबा अल जजीरा की बजाय सिर्फ जजीरा कहा। इसकी तीन सिमतों में तीन समंदर हैं। मशरिक में बहरे रूम है जिसे बहरे मतवस्त, बहरे शाम और बहरे मशरक भी कहते हैं। मगरब की तरफ ऑकियनूस यानी एटलांटिक है जिसे बहरे महीत, बहरे जुल्मात, बहरे मुस्लिम और बहरे आजम भी कहते हैं। जनूब में आबनाए जिब्राल्टर जिसको अरब बहरे जकाक से मौसूम करते थे। आबनाए जिब्राल्टर उंदलस के जनूबी गोशा और अफ्रीका के शमाली गोशे में, यही आबनाए यूरोप को अफ्रीका से जुदा करती है। दूसरी तरफ उंदलस की शमाली कुदरती सरहद जबलल ब्रांस यानी कोपायरिनस है और उंदलस का यही शुमाल मशरकी हिस्सा खुश्की से मिला हुआ है। फिर वास्तव मुल्क के लिहाज से जनूबी फ्रांस का वो इलाका जिसमें नारबून और अकाटानिया वाकया है उसकी सरहद में दाखिल है। फिर इधर शामिल मगरबी गोशे की सरहद पर खलीज बस्के वाकया है। नाजरीन उंदलस की जमीन समंदर की सतह से तकरीबन 2000 फुट बुलंद है। ये बुलंदी मशरक से मगरब की तरफ कम होती गई है यहाँ तक के बहरे मुहीत की सतह आ जाती है। उंदलस एक ज़रई मुल्क था, खसूसन मुसलमानों ने यहाँ की ज़रात को भी तरक्की दी। ज़रात के लिए इस मुल्क में दो किस्म की ज़मीनें थी, एक वो जहाँ दरियाओं और नहरों से आपाशी का सामान मौजूद था, दूसरी ज़मीनों में कुओं से रहट चलाकर पानी पहुँचाते थे। जिन कितात में आपाशी का सामान था वहाँ हर किस्म का अनाज पैदा होता था, मसलन गंदम, जैतून, जौ, चना, मकई, राई और जवार वगैरह। मेवा जात में संतरे, लीमू, अंजीर, बादाम, अनार, केला, सेब, अखरोट, बलूत, खजूर, आड़ू, शफ्तालू और एशकर वगैरह की पैदावार थी। इसी तरह बहुत सी खुशबूदार जड़ें, छाले और फूल पैदा किए जाते थे जिनमें सनीनल तैब, लौंग, संदल, औद, ज़ाफ़रान, दारचीनी, महलब, अदरक और जंजील वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन इनमें बेशतर चीज़ें मुसलमान अपने दौर में उंदलस में लाए थे। नाज़रीन इसी तरह कहरबा, अंबर और करमज यहाँ से हासिल किया जाता था। सोना, चांदी, कलई, पारा भी यहाँ से निकाला जाता था। फिर दूसरे कीमती नगीने जैसा कि राज, तफल, मोती, मूंगा और अमारत के कीमती पत्थर भी यहाँ से हासिल किए जाते थे। इन नबातातो मादनियात के अलावा यहाँ के हैवानात भी काबले जिक्र हैं। यहाँ दरिंदे जानवर कम दिखाई देते थे। चौपायों में हिरन, बजकोही, खोगर, गीदड़, खच्चर और मजबूत कद आवर घोड़े होते थे। इसी तरह नरम बालों वाले जानवर समोर, दबर, कनीलिया वगैरह हैं जिनके नरम बाल और खाले पोस्तीन के काम आती थी। परिंदों की भी कसरत थी और शिकार का रवाज भी था। बहरी हैवानात में हर किस्म की मछलियां होती थी। मुसलमानों ने अपने जमाने में उंदलस के इन कुदरती ज़राए से पूरा फायदा उठाया, नस्लों को बढ़ाया, मुख्तलिफ नबातातो हैवानात में अनवा और अकसाम के इजाफे किए और सनत व हरफत व तजारत की दाग बैल डालकर उंदलस को कमाल तरक्की पर पहुंचाया। नाजरीन अगर उंदलस में हम अकवाम की बात करें तो कदीम जमाने से ईबेरी, कल्त, फनीकी, यूनानी, रोमानी, शिवानी, अलानी, वांदल, फ्रैंक और गाथ कौमों ने इस मुल्क में वक्तन फोक्तन अपनी आबादियां कायम की, जिनमें फनीकियों के सिवा सब की सब मशरकी और वस्ती यूरोप की कौमें थी जो मुख्तलिफ जबानों में उंदलस में आईं और यहां बूदोबाश इख्तियार कर ली। नाजरीन कूतियों का काफिला बहरे अस्वद के शमाली साहल के करीब दरियाए नीपर के नवाह से उठा था और यूनान, इटली और फ्रांस से गुजरता हुआ 414 ईस्वी में उंदलस में दाखिल हुआ। 1419 में इन्होंने शिवानी और अलानी की हुकूमतों को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम की और स्पेन से लेकर फ्रांस तक दरियाए लुआयर तक हुक्मरान बन गए। कूतियों पर वांदाल कौम ने आकर हमला किया और एक हिस्सा मुल्क में अपनी चंद रोज़ा हुकूमत कायम कर ली। लेकिन 20 वर्ष का ज़माना बिना गुजर पाया था कि कूतियों ने इन्हें अफ्रीका की तरफ चले जाने पर मजबूर कर दिया। कूतियों ने उंदलस में तकरीबन 300 वर्ष हुकूमत का खात्मा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। नाजरीन उंदलस में कूतियों के दाखिले के बाद एक नई कौम की तखलीक हुई जो स्पेनी कौम कहलाई।
इसमें सब कौमों की असल मखलूत नस्ल और कुती कौम में दाखिल थी। खसूसन मुसलमानों के मुकाबले में इनकी नस्ली तकसीम खत्म हो चुकी थी। अब वो सिर्फ एक कौम थी जिसकी इम्तियाजी खूबी ईसाई मजहब की हल्का बगोशी थी। मुसलमानों के दाखले के वक्त उंदलस यहूदियों के वजूद से भी खाली न था, लेकिन इन्हें हुक्मरान कौम की हैसियत हासिल न थी। ताहम अपनी दौलत और स्रोत के एतबार से वो लोग इस मुल्क में अपना नमाया असर व नफूज रखते थे। ईसाइयों ने उंदलस में यहूदियों पर बड़े जुल्म ढाए, गोया यहूदी एक मजलूम कौम थी। उंदलस में मुसलमानों के दाखले से पहले तीन मजाहिब मौजूद थे, ईसाइत, बुतप्रस्ती और यहूदियत। नाजरीन, गात में ईसाइत की तबलीग 4वीं सदी ईस्वी में हुई। इनमें और रूसियों में जब पहली आवेजश हुई तो उस वक्त गात मजहबन बुतप्रस्त थे। 4वीं सदी में गाथक जबान में बाइबल का तर्जमा किया गया और इस सदी के ख़त्म होने से पहले ये पूरी कौम मसीहियत कबूल कर चुकी थी। जर्मन कौम फरनैक से भी स्पेन और फ्रांस में मुसलमानों को साबका पड़ा। फरनैक 510 ईस्वी में पेरिस को दारुल सल्तनत बनाकर फ्रांस के हुक्मरान बन चुके थे। इनमें ईसाइत की तबलीग एक खास तकरीब से अमल में आई। क्लोवस की मलका, जो बरगंड की शहजादी थी, मजहबन ईसाई थी। एक लड़ाई में इसने अपनी मलका की तरगीब से जंग में फतह पाने पर ईसाइत कबूल कर लेने की मन्नत मानी। इत्तफाक की बात कि इसको कामयाबी हासिल हुई। चुनांचे 496 ईस्वी में क्लोवस ईसाई कलीसा में दाखिल हो गया। फिर पूरी कौम ने इसकी तकलीद में ईसाइत कबूल कर ली। जनूबी फ्रांस के अलावा एकोटीन और बरगंडी वगैरह में सल्तनत रोमा के असर से ईसाइत फैल चुकी थी। अगरचे ये लोग कभी कभी बुत परस्ती की तरफ भी मुंह मोड़ लेते थे, नेज यहाँ की आबादी का एक हिस्सा अपनी बुत परस्ती पर पहले से कायम रहा। जब मुसलमानों के कदम इस जजीरा नुमा में पहुंचे तो सिर्फ दो मजहब, ईसाइत और यहूदियत कायम थी। अलबत्ता जनूबी फ्रांस में बुत परस्ती का रवाज भी था और उंदलस के ईसाइयों और यहूदियों में ताल्लुक खुशगवार न थे। नाजरीन, उंदलस में सबसे पहली आबाद होने वाली कौम का नाम अरबों के बयान के मुताबिक अंडलश और मगरी मुअर्रखीन की तसरीहात के मुताबिक सलिट था। फिर आइबेरी और लगोरी कौमें आईं। इसके बाद अफ्रीका की राह से फिनिक्यूद ने मिलाद मसीह से कई सौ बरस पहले उंदलस के जनूबी साहल पर आकर आबादियां कायम की। फिर कर्ताजनी 247 कबल मसीह में जनूबी स्पेन में आए। इसी जमाने में यूनानियों ने उंदलस के मशरकी साहल पर बस्तियां बसाईं। अब मुख्तलिफ कौमों के इज्तमा से जमीन के लिए कश्मकश शुरू हुई। अलग अलग हुकूमतें कायम हो गईं और लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। चुनांचे 2वीं सदी कबल मसीह में कर्ताजीनियों ने शिकस्त खाई। इनका सदर मुकाम अशबिलिया था। इनके बाद रूमियों को गलबा हासिल हुआ तो वो कई बरस तक बड़ी शान और शौकत से हुकूमत करते रहे। अगस्तस के जमाने में मुल्की तकसीम के एतबार से उंदलस के तीन सूबे थे, जिनके नाम हैं लूसीटीना, बिटका, मट्राकोनस। रूमियों के जमाने में उंदलस में बड़े बड़े नामवर पैदा हुए, जिनमें मनीका जो कि एक फलसफी था, उसके बाद लोशियन जो कि एक मुकालमा नगार था, मार्शल जो कि एक शायर था, ट्रेजन हैड्रियन, मार्कस एरिलियस, थियोडसिस वगैरह के नाम रूमी तारीख में ज़ेरी हरूफ में लिखे जाते हैं। नाजरीन, रूमी सल्तनत के कमजोर होते ही यहाँ खुद मुख्तार हुकूमतें कायम होने लगी। चुनांचे परिट्रागोना में एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम हुई जो रूमियों का मुकाबला करती रही। अरब मुअर्रखीन के बयानों में अशबान बिन तीतस का नाम आता है, जिसने उंदलस में फौज जमा की। इस खानदान में 25 सलातीन गुजरे, जिनके नाम अरब मुअर्रखीन ने जिक्र किए हैं। एक कौम यश्तुलियान थी, तवेश बिन नबता इसका पहला फरमारवा था। इस खानदान के 27 फरमारवाओं ने हुकूमत की। उनका दारुल हुकूमत मारवा था। गालबन इन्हीं कौमों को मगरबी मुअर्रखीन शिवाना वलानी या सवाइव और अलीन नामों से याद करते हैं। ये वो जर्मन वहशी कौमें थीं जिन्होंने रूम के अखीर जमाने में कुव्वत पकड़ ली थी। ये लोग कभी रूमियों के बाज गुजार रहे और कभी खुद सरी से हुकूमत करते रहे। ये वहशी बहुत जल्द उंदलस की लातीनी कौमों में मिलजुल गए। इन्होंने लातीनी जबान अख्तियार कर ली, देवताओं को छोड़कर ईसाई मजहब कबूल कर लिया और रूमी तमदन और निज़ाम हुकूमत अख्तियार कर लिया। इसी तरह इनमें और रूमियों में कोई फर्क नहीं रहा। 5वीं सदी ईस्वी में एक नई कौम गाथ, जिसको अरब मुअर्रखीन कूता कहते हैं,
उंदलस में आई। उनका काफला स्पेन आया जो बहरे अस्वद के शिमाली साहल के करीब दरियाए नीपर के नवाह से उठा था और यूनान, इटली और फ्रांस से गुजरता हुआ स्पेन में 414 ईस्वी में पहुंच गया। यहां इन्होंने शिवाह और अलानी हुकूमतों को 419 ईस्वी में खत्म किया और जुनूबी स्पेन से लेकर फ्रांस में द्राय लोयर तक हुक्मरान बन गए। यूरोप में बहरे बाल्टक के किनारों यानी जर्मनी के इलाकों से वांडाल की कौम उठकर फ्रांस से गुजरती हुई उंदलस में दाखिल हुई और तकरीबन 20 वर्ष जनूबी स्पेन के एक हिस्से पर हुकूमत करके अपने नाम पर इस हिस्साए मुल्क का नाम वांडालकिया या वांडाशिया मशहूर करके अफ्रीका चली गई, जहां इनकी हुकूमत कायम हुई और 534 ईस्वी में रोमियों के हाथ छिन गई। इधर पूरे उंदलस में गाथक हुकूमत कायम हो गई। नाजरीन, गाथ इन हमलावर कबाइल में है जो सल्तनत रूमा के जवाल के दौर में बरसरे अरूज आए। सल्तनत रूमा से इनकी आवेजश 3री-4 सदी ईस्वी में शुरू हुई। 5वीं सदी ईस्वी में थियोडक के आजम मशरकी गाथक सल्तनत का बानी हुआ जिसका पाया तख्त इटली बना। नाजरीन, गाथ फर्जी तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम किए गए, अस्ट्रोगाथ यानी मशरकी गाथ और वजी गाथ यानी मगरबी गाथ। 5वीं सदी ईस्वी में वजी गाथ ने उंदलस में अपनी हुकूमत कायम कर ली। गाथ अगरचे अपने खसायलो अतवार के लिहाज से वहशी कबाइल में से थे, मगर इन्होंने अपनी कुव्वत से तरक्की की और रूमी सल्तनत से आजादी हासिल कर ली। इनकी हुकूमत का एक मुस्तकिल निजाम, एक शाही कौंसल और एक सहीफा कानून पर कायम था। शाही कौंसल को मजहबी कौंसल भी कहा जाता था। इनके अरकान उंदलस के मुअज्जज पादरी और सदर बादशाह होता था। एक तरफ बादशाह पादरियों को असकफ के ओहदे से अजलो नसब का इख्तियार रखता था और दूसरी तरफ बादशाह की तख्त नशीनी पादरियों की मंजूरी के बगैर मुमकिन न थी। रफ्ता रफ्ता पादरियों ने हसूल इक्तदार की कोशिश की और हुकूमत की भाग दौड़ पूरे तौर पर उनके हाथ में आ गई। ये देखकर मुल्क के अरबाब सरूत आगे बढ़े। इन्होंने भी हाकमाना इक्तदार में अपना हिस्सा लेना चाहा और इसमें वो एक हद तक कामयाब हुए। 6 सदी ईस्वी में उंदलस में कैथोलिक मजहब का दौर दौरा शुरू हुआ जिससे पादरियों के इक्तदार में गैर मामूली इजाफा हुआ। अब वो तकरीबन यहाँ के स्याह सफेद के मालिक बन गए और बेशतर मौकों पर शाह उंदलस उनका दस्ते नगर रहने लगा। इस सूरत हाल से इन दोनों में कश्मकश शुरू हो गई, लेकिन पादरियों के इक्तदार को जवाल ना आया। नाजरीन, ये दौर उंदलस के यहूदियों के लिए सबसे ज्यादा तबाहकुन साबित हुआ। इन्हें ना सिर्फ शहरी हकूक से महरूम किया गया बल्कि उनसे उंदलस में रहने का हक ही छीन लिया गया। चुनांचे बादशाह के लिए तख्त नशीनी के वक्त ये हल्फ उठाना जरूरी करार पाया कि बेदीनों यानी यहूदियों को चाहे वो जैसे भी जाहो मनसब पर हो जलावतन किया जाए। इस कानून के नफाज पाते ही उंदलस के यहूदियों पर अरसा हयात तंग हो गया। इन पर आम गिरफ्तारी शुरू हुई। इनमें से कुछ जलावतन हुए, कुछ कत्ल किए गए, कुछ जिंदा जलाए गए, बहुत से गुलाम बना लिए गए और इनकी सारी दौलत और सरवत लूट ली गई। मगर ये कौम अपनी तारीख के हर दौर में बड़ी सख्त जान और साजिशी साबित हुई है। इन्होंने अपनी शातराना चालों और अपने ज़हनी और इल्मी तफव्वुक से इन बेशुमार अलायमों मसायब के बावजूद अपना इम्तियाज कायम रखा। इनके सूदी कारोबार से दौलत का अंबार फिर इनके कब्जे में आ गया। इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ हीलों और साजिशों से उंदलस में अपने वजूद को बाकी रखा और अपने खजानों का मुंह खोल दिया। पादरियों को बड़ी बड़ी रिश्वतों से अपना हम नवा बना लिया, यहां तक कि हुकूमत के मालियात का शोबा इन्हीं के हाथ में आ गया। सफारत की खिदमत अंजाम देने लगे और मुख्तलिफ इल्मी, अदबी, सनती और दूसरी तमदनी तरक्कियों में पेश पेश रहे। बड़े बड़े अमरा और जागीरदार जो अनपढ़ होते थे, यहूदियों के इल्मी तफव्वुक के बायस इन्हें अपनी जायदादों का मुंतजिम बनाने लगे। नाजरीन, वजी गाथ के जमाने में उंदलस की इल्मी तमदनी और सनती तरक्कियां अपने दौर के लिहाज से दर्जा कमाल पर थी। तामीरात में गाथक तर्ज आज भी शोहरत रखता है। दौलत और सरवत के अंबार का हाल ये था कि जब मुसलमान फातिहीन यहाँ पहुंचे तो उनका बयान है कि दौलत की फरावानी से इनमें सिर्फ दौलत के मुख्तलिफ तरीके राइज थे और वो नहायत ही ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के आदि थे। आगे चलकर 8वीं सदी में पादरियों की जा तलबी, ऐश परस्ती, अयाशी और रिश्वत सतानी इंतहा को पहुंच गई थी। असकफ का महल फितना और फसाद की अमाजगा बन गया था। अगरचे सल्तनत के काम बखैर खूबी चल रहे थे, मगर पादरियों की अयाशियों के साथ सलातीन भी बेरहरवी में मुबतला हो गए थे
और चाहे मनसब और दौलत और सरवत के हसूल में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में सरगर्म रहने लगे। जाती अगराज के लिए अवाम को बुरी तरह सताने लगे। खसूसन गुलामों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा सलूक रवा रखा जाता था। उसने मुसलमानों का मुकाबला किया और एक फौजी हुक्म नाफिज करके पादरियों के इख्तियारात में तहदीद की, लेकिन पादरी इसके खिलाफ बगावत की आग सुलगाने में कामयाब हो गए और उसको जल्द ही माजूल कर दिया गया। इसके बाद उसके जानशीनों ने पिछली रवश इख्तियार कर ली और पादरियों को फिर इक्तदार हासिल हो गया। नाजरीन, इसके बाद पादरियों के जवाल का दौर एक बार फिर आया। इसमें फरमा रवाएं उंदलस को कामयाबी हुई और उंदलस के असकफ आजम को ओहदे से माजूल कर दिया। पादरियों के जवाल को देखकर यहूदियों ने सल्तनत पर कब्जा करना चाहा, मगर उनको अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई और उंदलस से इन्हें जलावतन होना पड़ा। इनकी दौलत और सरवत और जायदादों पर एक मरतबा फिर कब्जा कर लिया गया, मगर जब ईसाइयों के इश्तियाल में कमी हुई तो ये अहकाम वापस ले लिए गए। यहूदियों को आबाद होने और अपनी ममलूका पर कब्जा रखने की आम इजाजत दे दी गई। बिलाखिर हुकूमत की बाग एक होशमंद हुक्मरान गीत्सा के हाथ में आई और उसने अपनी खिदमात से बड़ी हर दिल अजीजी हासिल की। यहूदियों के साथ भी उसने नरमी का सलूक इख्तियार किया, लेकिन आगे चलकर ऐशो इशरत में मुबतला हो गया और कलीसा के पादरियों को दखल अंदाजी का मौका मिल गया। वेटीजा ने इनकी परवाह न की और बिल आखिर वो भी तख्त से दस्तबरदार हो गया और एक बूढ़ा गैर मुल्की कायदो जर्नैल रॉड्रिक इसका जानशीन मुकर्रर हुआ। उसने उंदलस का ताज शाही अपने सर पर रख लिया और वेटीजा गाथ खानदान की हुकूमत का खात्मा हो गया। नाजरीन, बाज मुअर्रखीन के बयान के मुताबिक वेटीजा फरवरी 710 ईस्वी में अपनी तिबई मौत मरा। इसके लड़के कम उम्र थे। रॉड्रिक सिपा सलार था, वो फौज की मदद से खुद बादशाह बन बैठा।